श्रीलंकेत बनविण्यात आलेला तथागत गौतम बुद्ध या चित्रपटात बुद्धाची भूमिका साकारणारे गगन मलिक यांनी 6 एप्रिल रोजी सकाळी ड्रॅगन पॅलेस येथे भेट दिली. यावेळी थायलंड भिक्षू संघातील भिक्षू सुद्धा प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी गोगावा सोसायटीच्या अध्यक्षा सुलेखा कुंभारे यांनी त्यांचे स्वागत करत ड्रॅगन पॅलेस येथे विशेष बुद्ध वंदनाचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. मूवी काफ़ी साल पहले की और इतना असर पड़ा, इंस्पायर हो गया कि मैं बौद्ध ही हो गया. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा असर उस फिल्म का मुझ पर पड़ा होगा. वो करने के बाद मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं जो है धम्म का ज्ञान थोड़ा सा और प्राप्त करूं, और मुझे लगता था कि थाईलैंड से अच्छा कोई और देश नहीं है जहाँ मैं बहुत अच्छे से ये काम कर पाऊँगा. तो आज 2 महीने हो गए हैं मैं श्रामणेर हूँ और धम्म और अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. और जो मेरा मिशन है, एक तो 84,000 मूर्तियाँ हैं जो सभी विहारों में मुझे भारत में बांटती हैं और सम्राट अशोक के कदमों पर चलते हुए, और दूसरा जो है, जो मेन है मिशन, वो बाबा साहब का सपना पूरा करना है एक बौद्धमय भारत का. आज ड्रैगन पैलेस टेंपल में मैं आया हूँ ताई जी के पास, और हमने यहाँ पर चैंटिंग की है. सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ मंक्स का. एक अच्छी एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और एक संदेश यहाँ से गया है एकता का, प्यार का, मैत्री का और करुणा का पूरे भारत में, ताकि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और इस भारत को एक बौद्धमय भारत बनाकर बाबा साहब जी का सपना पूरा करें. कामठी वरुण नितिन रावेकर यांची रिपोर्ट. सहा एप्रिल भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक आशिष गजानन खापरे, शहर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपूर. अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक श्रीमती चेतना राजू टांग, डायरेक्टर ललिता पब्लिक स्कूल, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर, पूर्व पार्षद व पूर्व शिक्षण सभापति नागपुर महानगर पालिका. अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक श्री गणेश शंकर रंभाड, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर, मंत्री विनकर आघाड़ी भाजपा उत्तर नागपुर,